हिरनिया हो गया, हिरनिया वाला फूल कितना हिरो सिल के हमें ऑपरेशन कराने के लिए आई कर दिया नसबंदी तो हमरा कर दल के बच्चा वाला ऑपरेशन हिरनिया हो गया, हिरनिया वाला फूल कितना हिरो सिल के हमें ऑपरेशन कराने के लिए आई कर दिया नसबंदी नसबंदी कर दिया गया तो इस आदमी काम करने में सक्षम होगा नहीं, काम नहीं करेगा तो इसका परिवार का जिम्मेवार आदमी है, इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा। पाया जाता है संबंधित कर्मियों की लापरवाही है तो निश्चित रूप से हम लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान, क्योंकि हाइड्रोसेल ऑपरेशन की जगह हो रही है नसबंदी। जी हाँ, आपको बता दें कि जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 मार्च को हाइड्रोसेल ऑपरेशन की जगह नसबंदी किए जाने के मामले ने तूल पकड़ ली है। डीएम अवनीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया है, शनिवार को जांच का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए जांच टीम गठित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया है। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सक ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी, इसकी भी जाँच होगी। पीड़ित मरीज और परिवार वाले चिकित्सक पर केस दर्ज करने की तैयारी में है। जमालपुर प्रखंड की परहम पंचायत स्थित फरदा मालिक टोला निवासी नवल मालाकार 50 वर्षीय का हाइड्रोसेल बढ़ गया था, दर्द से वो काफी परेशान थे। 4 मार्च को वो जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि वहां तैनात चिकित्सक अशोक पासवान को मामले से अवगत कराया गया। चिकित्सक ने सलाह दी कि हाइड्रोसेल का ऑपरेशन करना होगा। इसके बाद चिकित्सक ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन करने के बाद शाम में डिस्चार्ज कर दिया। पीड़ित ने बताया कि एक सप्ताह में दर्द से आराम नहीं मिला तो गांव में ही दूसरे चिकित्सक के पास पहुंचे। निजी चिकित्सक ने पट्टी खोली तो देखा और वो हैरान रह गए। उसने साफ कहा कि आपका नसबंदी कर दिया गया है। जी हाँ, ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। अब तो गरीब गुरबों का भरोसा सरकारी अस्पतालों से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पीड़ित मरीज ने बताया कि वो जल्द ही सफिया सराय थाना क्षेत्र में केस दर्ज कराएगा, साथ ही चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग उठाएगा। 14 तारीख को हिरनिया हो गया, हिरनिया वाला फूल कितना हिरो सिल के हमें ऑपरेशन कराने के लिए आई कर दिया नसबंदी। कहाँ पे किया गया था? जमालपुर हॉस्पिटल अथी ब्लॉक के सामने, वो थाना के सामने सामने वो हॉस्पिटल में गया। कब से परेशान थे? परेशान थे हम बहुत दिन से परेशान थे, करीब हमें 3-4 साल से परेशान था। अभी हमारे बाहर से बोला कि नहीं चलो ऑपरेशन करवा देते हैं, तो हम बोले कि नहीं करेंगे हम जमालपुर में ऑपरेशन, ये सब कल की कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑपरेशन बढ़िया से हो जाएगा। ये हमारा जोर में कर दिया नसबंदी को ऑपरेशन। तो हम पट्टी खोले तो हम देखे हमारा ये मैंने असल अथी धैली है, पत्थर ये दाबते हैं तो दर्द करता है पूरा। हाइड्रोसिल का नहीं हुआ? नहीं हुआ, हाइड्रोसिल के नहीं हुआ है, ये नसबंदी कर दिया हमको। पढ़ल लिखल नहीं रहिए, जे जे कहले गेले से से कर ले गेलिए, एक दिन में हमरा सब कर उड़ के खत्म कर देलखिन। जानकारी होले हमरा टका कटले ओकर बाद होले, तो हम डॉक्टर भीरा गेलिए तो कहलिए कलका एगो निकाल दिए हैं, एगो अभी एक महीना के बाद निकलेगा। तो हम कहलिए कि हमर खून अभी नहीं हले देह में, एगो निकलबेलिए आ फिर अभी खून कहाँ चढ़ेबे जे वो निकलता है, ये हमरा दो धाम दे दिलो तो गने 2 महीना अभी बढ़ते, 2 महीना तक नहीं बढ़ते है। कहके नहीं कुछ होगा, जाइए परेशानी और लगे दर्द ओकरा उठल छै न चले फिर पा रहा है, तब यह दिक्कत छै। कमावे में दिक्कत नहीं छै, अभी आप बैठ गए खून देह नहीं छै पानी नहीं छै कैसे कमेते है। कितना चाहिए? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए चाहिए। परिवार के भरण पोषण की नाम है अपने के? रेखा देवी। घर? फरदा। पुरुष नसबंदीकरण कर दिया गया है। हम आए थे, हम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं बिहार के, और हम खेत के काम के पर्पज से आए हुए थे, दैनिक मजदूरी करते हैं, घर के जिम्मेवार नागरिक हैं। इनका नाम नवल मलाकार है। तो आए तो बोले कि हम अक्षम हैं, हमारा जो है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने गए थे, लेकिन विक्रम पासवान नाम के कोई हैं चिकित्सक जो कि सदर अस्पताल के हैं, पीएचसी के हैं, तो उन्होंने इनका जो है सो अवैध रूप से कर दिया, इनको जानकारी नहीं दिया। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम से कम इनको कहना था कि भैया आप जो है सो अक्षम हो जाइएगा या किसी प्रकार की परेशानी, हम आपके पुरुष नसबंदीकरण कर रहे हैं। लेकिन पुरुष नसबंदीकरण अगर किए तो कम से कम जानकारी देनी चाहिए थी।
ये धोखे से इनका पुरुष नसबंदीकरण कर दिया गया है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करने के लिए हिरनियों से ये ग्रसित थे और हाइड्रोसिल का भी ऑपरेशन, दोनों का ऑपरेशन इनको करवाना था। इस पर्पज से ये गांव के अपने जो है पड़ोसी और ये खुद अपने परिवार के साथ वहां पर पीएचसी में गए, तो इनको जो है ये तो मूर्ख है, इनको बताया नहीं गया और पुरुष नसबंदीकरण इनका कर दिया गया। जबकि ये पुरुष नसबंदीकरण करने के लिए मतलब तत्पर नहीं थे, नहीं करवाना चाहते थे, वैसा इनका कोई इरादा ही नहीं था कि हम पुरुष नसबंदीकरण करवा में, कहा कि ये उससे कोई मतलब इनका नहीं था। जानकारी इनको तब हुआ जब ये घर आए पढ़ा, जब इनको कमजोरी महसूस हुआ तो हमको ये पढ़ने के लिए देखिए क्या इन करके दे दिया है, तो हमको जब दिखाए तो हम देखे पुरुष नसबंदीकरण इनका कर दिया गया है, तो बोले कि आपका पुरुष नसबंदीकरण करवाए, बोले नहीं हम तो गए थे बावा साइड का, मेरा हाइड्रोसिल बड़ा हो गया था उसी का हम गए थे। लोग हंसने भी लगे लेकिन हम उनको जो है सो कहे कि नहीं यह सीरियस मैटर है, हंसिए नहीं, मजाक मत बनाइए, यह शरीर का इनका मैटर है, स्वास्थ्य इनका चला गया इनके परिवार को कौन खिलाएगा। अब ये कहते हैं कि हम काम करने में सक्षम नहीं है, किस तरह से इनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर दिया गया है, ये दैनिक मजदूरी नहीं करें तो इनका कैसे परिवार चलेगा। तो हम कहना चाहेंगे सरकार से इनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए जिससे कि अपने परिवार का ही भरण पोषण करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामनंदन कुमार है, मैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हूँ। हम तो वहाँ नहीं गए थे, हम जब यहाँ पर घर पर आए ना तो परिश्रम करने वाला जो दैनिक मजदूरी करने वाला आदमी है, घर का जिम्मेवार आदमी है, तो हम आए कि भाई अपने खेत में चलिए हम काम करवाने के लिए आए, तो बोला कि भाई हम अक्षम हैं धोखे से, तो नसबंदी कर दिया गया तो इस आदमी काम करने में सक्षम होगा नहीं, और काम नहीं करेगा तो इसका परिवार का जिम्मेवार आदमी है, इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, सबसे बड़ी समस्या यह है। इस प्रकार का मामला संज्ञान में आया है आप लोगों के माध्यम से, इसमें जिला स्तर से हम लोग जांच कमेटी गठित कर रहे हैं और यदि जांच के बाद पाया जाता है संबंधित कर्मियों की लापरवाही है तो निश्चित रूप से हम लोग उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे।